स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे आप सब? आज हम लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर फोर, ऊष्मा. इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर. इसके बारे में हमने पहले भी पढ़ा था, यही हम कंटिन्यू रखते हैं. ऊष्मा क्या है ये भी देखा था, और ये ऊष्मा कहाँ से कैसे प्रसारित होती है, गर्म और ठंडे का अनुभव कैसा होता है, ये भी हमने ये देखा था कि हम स्पर्श के द्वारा उसको टच करके हम गर्म और ठंडे का अनुभव करते हैं. इसके बाद में हमने थर्मामीटर के बारे में एक्सप्लेन किया था. थर्मामीटर की पिक्चर आई होप आप लोगों ने बना दी होगी. थर्मामीटर भी, प्रयोगशाला थर्मामीटर और डॉक्टरी थर्मामीटर, इसके बारे में हमने देखा था. आज हम देखेंगे ऊष्मा का स्थानांतरण, कि ऊष्मा का स्थानांतरण कैसे होता है, कैसे पता चलता है कि जो गर्मी होती है, ऊष्मा होती है, वो एक जगह से दूसरी जगह पर कैसे जाती है. तो हमने देखा होगा, आप देखते होंगे स्टूडेंट्स, कि किसी बर्तन को ज्वाला पर रखते हैं तो, मतलब आग पर अगर हम किसी बर्तन को रखते हैं तो वो गर्म हो जाता है. अब ऑब्वियसली तब तो हो जाता है, मतलब गर्म हो जाता है. तो इसका कारण क्या होता है कि ऊष्मा क्या होती है, जो गर्म ऊष्मा होती है, ज्वाला होती है, वो कहाँ जाती है, बर्तन की तरफ जाती है. और जब अगर हम बर्तन को उस ज्वाला से हटा लेते हैं, उस आग से हटा लेते हैं, तो क्या देखते हैं हम कि वो धीरे धीरे क्या हो जाता है, ठंडा होता जाता है. और ये ठंडा क्यों होता जाता है, क्योंकि वहाँ से ऊष्मा हटा ली गई है, ज्वाला हटा ली गई है, और ये परिवेश मतलब एनवायरनमेंट की ओर स्थानांतरित हो जाती है. ऊष्मा उस तरफ आकर्षित हो जाती है, स्थानांतरित हो जाती है. इस तरह से वो बर्तन जो होता है, जो ज्वाला पे रखा हुआ था, वो धीरे धीरे ठंडा हो जाता है. तो इस प्रकार हम समझ सकते हैं कि दोनों स्थितियों में ऊष्मा गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु की ओर ही प्रवाहित होती है. किससे? गर्म से ठंडी की ओर प्रवाहित होती है. और वास्तव में ऊष्मा सदैव गर्म वस्तु से अपेक्षाकृत ठंडी वस्तु की ओर प्रवाहित होती है. इसका एग्जांपल हम देखेंगे कि ऊष्मा का स्थानांतरण किस प्रकार होता है. इसका एग्जांपल हम ये देखेंगे, जैसे एक एल्यूमिनियम या लोहे की किसी धातु की छड़ या चपटी पट्टी लेते हैं. लोहे की धातु छड़ और चपटी पट्टी लेते हैं, और इस पर हम क्या करते हैं कि मोम के छोटे छोटे टुकड़े चिपका देते हैं. एक ये पिक्चर भी इसमें दी हुई है, इसको हम देखेंगे बाद में. मोम के टुकड़े चिपका दिए, और ये टुकड़े समान दूरियों पर होने चाहिए, जैसे कि इसमें पिक्चर आगे दी हुई है. और छड़ के एक सिरे को एक प्रयोगशाला स्टैंड पर लगाते हैं. यदि आप हमें ये स्टैंड ना मिले तो हम छड़ को ईंटों के बीच में भी दबा कर रख सकते हैं. तो इस तरह छड़ के दूसरे सिरे को गर्म करते हैं, क्या देखते हैं हम देखते हैं कि मोम के जो टुकड़े होते हैं ना, वो गिरना शुरू हो जाते हैं. ये पिक्चर देखिए, ये पिक्चर अच्छे से इसमें दिया हुआ है. अगर ये लोहे की छड़ है, यहाँ ये कैंडल है, कैंडल, और यहाँ पर हमने मोम के टुकड़े लगाए हैं. तो हम क्या देखते हैं कि जब मोम गर्म होती है तो रोड जो होती है वो यहाँ से गर्म होना स्टार्ट होती है. गर्म होने के बाद में मोम के टुकड़े क्या होते हैं कि यहाँ से गिरना शुरू हो जाते हैं. इस प्रकार एंड तक जाते जाते ये ऊष्मा क्या होती है, लोहे में एंड तक प्रवाहित हो जाती है. तो इस तरीके से ये क्या होती है कि ऊष्मा का संचरण धीरे धीरे एक सिरे से दूसरी ओर स्थानांतरित होता रहता है. इस प्रकार हम क्या देखते हैं कि एक से दूसरी ओर स्थानांतरित, और ये वह प्रक्रम है जिसमें ऊष्मा किसी वस्तु के गर्म सिरे से ठंडे सिरे की ओर स्थानांतरित होती है. गर्म से ठंडे की ओर स्थानांतरित मतलब प्रवाहित होती है, और इसे ही हम चालन कहते हैं. क्या कहते हैं, हमने पिछली क्लास में ऊष्मा की विधियाँ देखी थी, ऊष्मा संचरण की. उसमें चालन, संवहन और विकिरण, हमने इसके बारे में विस्तार से अध्ययन किया था. आज हम रीड करते हैं. यही एक स्थान से दूसरे स्थान की ऊष्मा का प्रवाह ही क्या कहलाता है, स्थानांतरण ही क्या कहलाता है, चालन कहलाता है. फोसों में ऊष्मा प्राय चालन के प्रक्रम द्वारा स्थानांतरित होती है. उसके बाद में क्या सभी पदार्थों में ऊष्मा का स्थानांतरण एक तरह से होता है, आसानी से हो जाता है? हमने देखा होगा कि खाना पकाने के लिए उपयोग की जाने वाली धातु के बर्तन में प्लास्टिक या लकड़ी को हत्थी लगी होती है. ऊष्मा का स्थानांतरण सभी पदार्थों में एक जैसा नहीं होता है स्टूडेंट्स. कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो कि ऊष्मा जिनमें प्रवाहित होती है वो ऊष्मा के चालक कहलाते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जिनमें ऊष्मा प्रवाहित नहीं होती, वो ऊष्मा के कुचालक कहलाते हैं. अब ऊष्मा के चालक कौन कौन से होंगे? एल्यूमिनियम, आयरन,
ये कॉपर तांबा मतलब जो धातुएं होती है वो तो ऊष्मा की चालक होगी, इनमें ऊष्मा अच्छे से प्रवाहित हो जाती है। और ऊष्मा के कुचालक कौन कौन से होंगे? ऊष्मा के कुचालक में आपके एग्जाम पर आ जाएगा लकड़ी, प्लास्टिक, ये ऊष्मा के कुचालक या ऊष्मा रोधी भी हम इनको कहते हैं। और जल और वायु ऊष्मा के कुचालक होते हैं। और इन पदार्थों में ऊष्मा स्थानांतरण कैसे होती है इसका भी हम एग्जाम्पल के थ्रू देखेंगे। एक बार मैं फिर से रिमाइंड करवा दूँ आपको कि ऊष्मा एक स्थान से दूसरी स्थान की ओर स्थानांतरित होती है तो उसे चालन कहते हैं। और चालन हर सभी वस्तुओं में एक जैसे नहीं होता है, कुछ वस्तुओं में ऊष्मा प्रवाहित होती है तो वो ऊष्मा के चालक कहलाती है, और कुछ वस्तुओं में ऊष्मा प्रवाहित नहीं हो पाती है तो उन्हें ऊष्मा का कुचालक भी कहते हैं। ऊष्मा के चालक में धातुएं आएगी स्टूडेंट्स, और ऊष्मा के कुचालक में क्या आएगा? प्लास्टिक और लकड़ी। तो इस प्रकार यह हमारा चालन ऊष्मा का कंप्लीट हो गया है। अब हम देखते हैं कि संवहन ऊष्मा का कैसे होता है, एक जगह से दूसरी जगह तक ऊष्मा कैसे जाती है, इसका पहले हम एग्जांपल रीड करते हैं। गोल पेंदे का फ्लास्क या फिर बीकर जो भी हो हम लेते हैं, ठीक है, इसे जल से दो तिहाई भरते हैं, ज़्यादा भर लेते हैं इसको, और किसी तीपाई रखते हैं और फ्लास्क को रखने का ऐसा प्रबंध करते हैं कि जिससे कि इसके नीचे एक मोमबत्ती रखकर इसे गर्म कर सकते हैं। उसके बाद में फ्लास्क में जल के स्थिर होने की प्रतीक्षा करते हैं। एक स्ट्रो की सहायता से फ्लास्क पे पेंदे पर पोटेशियम परमैंगनेट का एक क्रिस्टल जो कि कलरफुल होता है हम वो डाल देते हैं, और क्रिस्टल के ठीक नीचे मोमबत्ती जलाकर जल को क्या करते हैं हम गर्म करते हैं। उसके बाद में क्या होता है हम देखते हैं इनको कि जब जल को गर्म करते हैं तो ज्वाला के पास का जल गर्म हो जाता है। ऑब्वियसली हम अगर बर्तन को गैस के पास रखेंगे, बर्नर के पास रखेंगे, तो नीचे का तला है वो पहले गर्म होगा, तो गर्म करते हैं, गर्म होने पर गर्म जल ऊपर उठता है और इस गर्म जल के आसपास का ठंडा जल उसका स्थान लेने के लिए आ जाता है। फिर ये जल भी गर्म होकर ऊपर उठता है तथा आसपास से जल फिर इसके स्थान पर आ जाता है। यह प्रक्रिया तब तक चलती रहती है जब तक कि सारा जल गर्म न हो जाए, और ऊष्मा का स्थानांतरण इस विधि को संवहन कहते हैं। मतलब कि गर्म से ठंडे की ओर ऊष्मा क्या होती है? प्रवाहित होती है, और जब तक वो पूरा ऊष्मा अपने आप को पूरी तरह से प्रसारित नहीं कर लेती तब तक वो संवहन होता रहता है। इस प्रकार हमने एग्जांपल देखा, और ये एग्जांपल आपको पिक्चर आपको अपनी नोटबुक में बनानी भी है। तो इस तरीके से हमने फ्लास्क लिया, इसमें पानी डाला, ये रेड कलर पोटेशियम परमैंगनेट की कुछ बूंदे क्रिस्टल हम इसमें डालते हैं, इससे हमें पता चलता है कि जो जल है वो ऊपर उठता जा रहा है, और इस तरह से जल क्या होता है पूरा गर्म हो जाता है। तो वायु में ऊष्मा का स्थानांतरण किस प्रकार होता है ये भी हम देख चुके हैं। ओके, वायु गर्म होकर ऊपर उठती है तो इस प्रकार वायु भी गर्म हो जाती है, और ये प्रक्रिया चलती रहती है। इस प्रकार हमने संवहन भी देखा। अब हम देखते हैं थल समीर और समुद्र समीर। हम स्टूडेंट हमने देखा है कि दिन के समय ठंडी हवा चलती है समुद्र के पास, जो टूरिस्ट है वह आना उधर पसंद करते हैं, और रात के समय और वही क्या होती है स्थल की ओर ठंडी हवा चलती है। तो ये थल समीर और स्थल समीर क्या होता है, समुद्र समीर और थल समीर क्या होता है इसको हम आज देखते हैं। तटीय क्षेत्रों में रहने वाले लोग एक मनोरंजक परिघटना का अनुभव करते हैं। दिन के समय स्थल यानी कि धरती या थल जल की अपेक्षा जल्दी गर्म, जो मिट्टी होती है वो जल की अपेक्षा क्या होती है जल्दी गर्म हो जाती है, और जल क्या होता है वो धीरे धीरे गर्म होता है। तो जल का ये गुण है कि वो गर्म भी धीरे होता है और ठंडा भी धीरे होता है, जबकि मिट्टी जल्दी गर्म होकर जल्दी ठंडी भी हो जाती है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जल की अपेक्षा जो मिट्टी होती है वो जल्दी गर्म हो जाती है। स्थल के ऊपर की वायु ऑब्वियसली वो गर्म होगी तो वायु गर्म होकर क्या होती है ऊपर उठती है, गर्म होकर ऊपर उठती है, तो इसका स्थान लेने के लिए समुद्र की ओर से ठंडी वायु स्थल की ओर बहती है। चक्र को पूरा करने के लिए स्थल की ओर से गर्म वायु समुद्र की ओर बह जाती है। समुद्र की ओर से आने वाली वायु को समुद्र समीर कहते हैं। स्टूडेंट नोटिस कीजिएगा, समुद्र से जो वायु आती है वो समुद्र समीर कहलाएगी, और थल से वायु आने वाली थल समीर कहलाती है।
समुद्र समीर की ठंडी वायु का लाभ उठाने के लिए तटीय क्षेत्रों के भवनों में खिड़कियां समुद्र की ओर बनाई जाती है। रात्रि में ये प्रक्रम ठीक इसके विपरीत अपोजिट हो जाता है। समुद्र का जल स्थल की अपेक्षा धीमी गति से ठंडा हो जाता है होता है, मैंने पहले भी बताया था, इसलिए स्थल की ओर से ठंडी वायु समुद्र की ओर बहती है और यही क्या कहलाता है, हमारा स्थल समीर कहलाता है। और इसका डायग्राम भी हम देखते हैं एक तरह से, ये देखिए डायग्राम। यहाँ पर स्थल क्या होता है, गर्म होता है, गर्म होकर ये हम समुद्र समीर है, ये इधर स्थल समीर है। यहाँ पर क्या होता है कि स्थल समीर यहाँ पर गर्म होती है वायु, गर्म होने के बाद में ऊपर उठती है और वो समुद्र की ओर प्रवाहित होती है, और समुद्र की ओर प्रवाहित होकर ठंडी वायु क्या होती है, गर्म वायु की जगह ले लेती है। ये तो होता है समुद्र समीर। समुद्र समीर में क्या होता है कि ठंडी वायु गर्म स्थान गर्म की ओर प्रवाहित होती है। ओके, तो इस तरह से वो समुद्र समीर चलता है। और इधर थल समीर देखिए, थल समीर में क्या होता है कि ये ठंडी वायु होती है, ये क्या होती है, ये गर्म वायु की ओर प्रवाहित होने लग जाती है। तो इस तरह से क्या होता है, रात को थल समीर चलता है और दिन में समुद्र समीर चलता है। सो ये काम ना, ये चैप्टर कंप्लीट हो गया, जिस या ये टॉपिक अपना कंप्लीट हो गया जिसमें हमने चालन और संवहन को देखा है, स्थल समीर और थल समीर को देखा है। आप ये स्थल समीर और थल समीर के बारे में विस्तार से वर्णन करेंगे अपनी नोटबुक में और इसका डायग्राम भी अपनी नोटबुक में बनाएंगे। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।